महाराज पधारने वाले हैं। ये हाथी की दांत का सिंहासन, राजा वगैरह के शतरंज खेलते, पैदा होने की मशीन जो उस समय में भी हुआ करते थे चीते की खाल में। गाइस फाइनली व्यवस्था मिल चुका है, मतलब जहाँ हमको अंदर जाना था बट अंदर जाने वो दे नहीं रहते। मतलब आप भी यहाँ पर आओगे ना तो मतलब पचास पाने का नहीं, मतलब बिल्डिंग पुरानी ये है वो। बट एक्चुअली मैं आपको बात बताऊँ, वो तो जो बिल्डिंग है ना वो जहाँ हम अभी जा रहे हैं वो है हॉन्टेड, मतलब वो कोटा के सबसे मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है जहाँ पर हम अभी जा रहे हैं। बट कुछ रिस्क पर जा रहे हैं, बट आपके लिए जरूर जाएंगे, मेरे को भी देखना था आपको भी दिखाना था, फटाफट चलते अपने अंदर जा रहे हैं। एंड ये मतलब दूसरा वाला लोग होगा जो आप देख रहे हो, पहला लोग मतलब प्रॉपर जो मेन गढ़ है उसका है, एंड सेकंड है ये जो मतलब हॉन्टेड प्लेस है इसके बारे में। एंड इसी कहानी में आपको थोड़ा आगे बताता हूँ, पहले एक बार अंदर जाके विजिट करके हम आ जाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। सो गाइस मतलब अभी हम जस्ट आए हैं एंड पता नहीं वाई बट अंदर से एक नेगेटिव फील आ रही है, मतलब क्रॉस करने के बाद ही। एंड हम चलते अपन जिसके बट चलते बट चलते गाइस फाइनली अंदर की तरफ। एंड ये दीवार कूद के अंदर जानी पड़ेगी अपन को, ये देख रहा नाइट मोड तो है, लड़कियों के नाम लेके मिलाओगे तो कोई ना कोई उठा ही लेगी। मतलब यहाँ को भूत वगैरह मिले नहीं मिले, लड़कियों के नंबर जरूर मिल जाएंगे आपको। एंड अभी अंदर से दिखा था आपको, ये देख सकते हो आप पुराने 200 साल पुराने कुटुंब के निशान देख सकते हो आप, ये इधर जौहर के लिए। एंड मेन चीज ये जौहर टाइप का है रहना, अंदर जाना ही क्यों तो अंदर, मतलब देखने में डरावना तो लगता है, मान सकते हैं अपन, लग नहीं लगता तो है डरावना, तो यार डरावना लगता तो है। थोड़ा अपन आगे चलते हैं एंड कुछ फील होता है कुछ दिखता है तो आपको भी दिखाते हैं हमारा भी। हाँ भैया तो हमारे तरफ से नहीं आओ तो अपने रिस्क पे। एंड इधर तो बाहर निकलने का रास्ता भी है, अंदर आना अलाउड नहीं है, अगर आप आओ फंस फुस जाओ तो निकल सकते हो। एंड ये बहुत बर्गर का पेड़ है पुराना सा। एंड अंदर ये छोटी छोटी सी गुफा टाइप है। एंड इधर कुछ थोड़ा अंदर और चलते आपको दिखाते हैं। साले तू यार वीडियो जाती है तो अटैक वटैक आ जाता अभी नहीं, बट यहाँ एक फील होता है यहाँ कुछ नेगेटिविटी समथिंग। किसी ने ताली बजाई क्या अभी, ताली बजने की आवाज आएगी ऊपर से, ताली बजने की आवाज आएगी भैया। मुझे तो लगता है कि ताली बजे मैंने ताली बजाने की आवाज आई ऊपर से, आवाज आ रही थी यहाँ से। सो गाइस मतलब मुझे तो मतलब ताली बजने की आवाज आई थी बट इनकी तो मना कर रहे हैं, बट थोड़ा आगे चलते हैं। सो ये मतलब पुराना किला टाइप का है जो खंडर हो चुका है, टूटा हुआ पड़ा है। मंदिर हो गया आप, चलो आपको मतलब अंदर जितना भी चीज़ें सबको दिखा रहे थे। एंड मतलब हर जगह यहाँ कुछ छोटी छोटी सी जगह है मतलब गुफा टाइप का, नहीं ऊपर ऊपर दरिंदों को कच्चा बता रहे हैं, मतलब दे भी सकता है ये। एंड मुझे यहाँ पे कुछ समथिंग फील हुआ है वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ मैं क्या सीन है। एंड अब आपको एक रूम बताते हैं अंदर से, जब मतलब बिल्कुल यहाँ पे पूरा अंधेरा हो रहा है, लाइट जला रहा हूँ। नहीं है कुछ भी नहीं, चमका वगैरह ऐसी सीन।
मतलब हर जगह एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कहीं से कुछ दिखता है या कुछ फील होता है आपको बताता हूँ। बाहर आ गया एंड अजीब से कुछ अलग ही कुछ नेगेटिविटी के अंदर, एंड मैं आपको थोड़ा आगे चल के बताता हूँ मतलब मुझे पर्सनली क्या फील हुआ है। सो गाइस आई फाइनली वहाँ से अपन निकल चुके हैं एंड अब बताता हूँ मुझे मतलब पर्सनली क्या फील हुआ, मतलब कुछ फील हुआ हो या नहीं हुआ हो, बट मुझे ऐसा लगा मतलब कुछ छोटी छोटी चीज़ थी ना, जैसे पेड़ के पीछे हुआ या मतलब वहाँ कुछ खिड़की टाइप उस टाइप से पीछे हुआ, मतलब कुछ साया साया टाइप मेरे को लगा। अब वो रियल था या नहीं था मुझे इतना नहीं पता, बट जो मुझे फील हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हेलो एंड सच में मतलब कुछ मतलब हाँ मतलब डरावना टाइप का मतलब हॉरर टाइप का कुछ फील था, बट ऐसे कुछ चीज़ हमको दिखी नहीं ना ही मतलब सामने हमने कुछ चाहिए, बट जो है वो मैंने आपको सब कुछ दिखाई दिया है। एंड फिर कभी भी आएंगे यहाँ पे नाइट में, एंड तब तक के लोग पसंद आए तो फटाफट से लाइक कर दो, लोग को हर जगह फैला दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, एंड मिलते हैं आपसे बोल चल नए लोग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।